आपके मेवा के हवलदारों ने कहा कि अजला से लोगों को लाकर यहां डाला जा रहा है। सिर्फ अजला ही नहीं बल्कि हाली अरसे में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सही करिएगा, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी कई लोगों को लाकर डाला गया जो काम से वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है कि किस तरीके से किया जाए। टेक्निकली वो लोग साउंड नहीं है, टेक्निकली मालूमात नहीं है, सिर्फ लोगों को लाना है तो बस कहीं से भी ला रहे हैं और यहां पे काम दे रहे हैं। ना वो काम करना चाहते हैं, ना काम जानते हैं, ना काम कर सकते। ये चीज भी हम जरूर अपने सतह पर ऐवान असेंबली में जरूर उठाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपके ऑफिस का भी एक मसला है, बाद फिरका परस अनासर है जो हमारे ऑफिस के स्पेस के अलॉटमेंट में हायर हो रहे हैं, रोक रहे हैं। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम किसी की हकलबी नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, हमको हमारा हक मिले, बस यही हमारा काम और यही हम करें। और हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऑफिस के स्पेस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और जब प्रमोशन आते हैं, वैकेंसी आते हैं, तो उस वक्त भी कई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारों को एक मंसूबा बंद अंदाज से उनके प्रमोशन को रोका जाता है या फिर दूसरों को प्रमोट कर उनको बाद में करेंगे कहकर उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। ऐसे भी मसाइल हैं, हम जानते हैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नाइंसाफियां ना हो। और मेवा के जरिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करे काम जिसके जरिए न सिर्फ नाइंसाफी को खत्म करें, और ये भी हमारा एक प्रपोजल था, उस पर कार्रवाई हुई, किसी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि मैं समझूंगा कि मेरी मसरूफियत और मेरी नासादी सेहत की वजह से वो काम को नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि जरूर गवर्नमेंट से तो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सहूलतें मिलती हैं इम्प्लॉयज को, उससे हट कर भी जो भी हमारे मेवा में जो जिनको मेडिकल सहूलत नहीं मिलती है इलाज की उनके अपराध खानदान को, तो मैंने तय किया था कि मेवा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे अराकीन होंगे जिनको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मेडिकल रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है, वैसे उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ओवेसी हॉस्पिटल वासरा हॉस्पिटल में 40% डिस्काउंट पे हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी तरफ से हम एक पेशकश करे थे, उसके ऊपर तफसीलात की हमने जमा की थी, मेवा के अराकीन ने लाकर मुझे तफसीलात भी दिए थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये काम को जितना भी जल्दी हो सकता है हम करवाने की हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम तो हमारे ही हाथ में, किसी के रिमाइंडर की करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह उस काम को भी कराएंगे, और भी जो भी मसाइल हैं आप लोगों के जो अराकीन है मेवा के उनके जो इससे वाबस्ता है जरूर हमसे रुजू करिए, शायद देर होगी मसाइल के हल के लिए, लेकिन मसाइल को हल जरूर हम करेंगे। और अगर मैं मसरूफ हूं तो बलाना साहब है, वो तो मौजूद रहते हैं, वो बराबर हर वक्त काम जो भी आपका है, जिस भी जगह पे आपके काम को लेकर जाना है या नुमाइंदगी करना है, वो हर वक्त बिना झिझक आप लोग रुजू हो सकते हैं, और वो बराबर नुमाइंदगी करते आए हैं, आगे भी इंशाल्लाह आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और जहां कहीं पर मेरी भी जरूरत है मैं भी आपके लिए दस्तियाब हूँ। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी जो भी ताबुन जो भी आप लोगों के लिए करना है करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मेवा से वाबस्ता होकर इस मेवा को मजबूत करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, और हमारे मसाइल का हल मेवा के जरिए हम करवाएंगे। मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मेरी मसरूफियात मुझे इजाजत नहीं देती, लेकिन आप लोगों की
का इसराफ था और अदारों का कि नहीं अकबर साहब आप जितना भी वक्त दे सकते हैं दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही इस मेवा को हेड करें। तो मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे वाबस्ता होकर आपके मसाइल को उठा सकूँ, और आपने इस काबिल समझा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी खिदमत कर सकती है। और जहाँ पर भी आपके साथ हस्तंगी हो रही है उसके खिलाफ अकबर अवैसी साहब तुम्हारे लिए जरूर उनकी एक्सप्यू कराने लगे इंशाल्लाह।